माया जाले जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लाभ ना होइलो ज्ञान लाभ बोलिया तुम्हारे संसारे आसी पेना नबीद बैठा आदोरे रे छेले सजनेर कोले हासिया काटनु काल जनक जननी स्नेहते भूलिया जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिलो भालो संसार लागिलो भालो भूलिया तोमारे संसारे आसिया पे नानाविध बैठा क्रमे दीने दीने बालक होइया खेलिनु बालक सहो आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़िया हो रहो बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना ना बिद बैठा विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोरी विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देश धन उपार्जन कोरी स्वजन पालना कोरी एक मोने स्वजन पालना कोरी एक मोने भूलिनु तुम्हारे हरी भूलिनु तुम्हारे ते हरी भूलिया तुम्हारे ये संसारे आसिया पे नाना बिरह बैठा बार्धके एखन भक्ति बिनो कादिया कातरे आती बार्धके एखन भक्ति बिनो कादिया कातरे आती न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो এখন কি হবে গতি এখন কি হবে গতি ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পে নানা বিধ ব্যথা তোমার চরণে আসিয়াছি বলিব দুঃখের কথা তোমার চরণে আসিয়াছি বলিব দুঃখের কথা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে
हाय रे कृष्णा, हाय रे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल, राधा गोविंद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता हरे जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा हरि बोल, बहुत ही सुंदर भजन था माता जी। धन्यवाद माता जी। माता जी, इस भजन को जब भी मैं गाती हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग कितने अज्ञान में डूबे हुए हैं। जी माता जी, सभी लोग हैं और इसमें ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह उसमें हैं माता जी, मतलब ऐसा लग रहा, डूब गए ऐसा लग रहा था, और हम लोग भी आप लोग आपके साथ ही थे वहां पे, तो बहुत सुंदर माता जी, पूरा भावपूर्ण था माता ये भजन जो है। हरे हरे कृष्णा, थैंक यू प्रतिमा माता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बिल्कुल हम बद्ध जीवों के लिए जो स्केच है वो खींच के दे दिया आपने, कि हम सब इसी तरह से इस जीवन में पड़े हुए हैं और अज्ञानवश हमें पता ही नहीं है कि हम माया के वश में हैं, और हमें ज्ञान प्राप्त होते हुए भी हम उससे दूर भागते हैं, बिल्कुल परंतु माता जब जी, मैं बिल्कुल जितने भी नए डिवोटी हैं मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दो पहिए भौतिक और दो पहिए आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि इस आध्यात्मिक जीवन में अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा कुछ उद्धार नहीं होगा। हम व्यर्थ ही अपना ये जो दुर्लभ जीवन, मानव जीवन मिला है माता जी, व्यर्थ ही गवा देंगे। भगवान की असीम कृपा है कि हम सब आज इस वक्त यहाँ इस क्लास में है, ये उनकी कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। और उनकी कृपा जब है तो माता जी सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है माता जी, अब रुकना नहीं है, सबको आगे बढ़ना है, सबको भगवान के पास जाना है, वही हमारा परम लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति ही हमारा परम लक्ष्य है माता जी, और कुछ नहीं। जी माता जी जी, बहुत सुंदर माता जी। वो चैतन्य प्रभु ने एक जगह कहीं पे मेंशन किया है माता जी की, चैतन्य चरितामृत में, कि जब आप कृष्णा हैं ये आपको कैसे जानेंगे, कि आप समझ लीजिए कि आपके गुरु आपके सामने आके उपस्थित हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिए कि कृष्णा की ये प्लानिंग है। मतलब आप अपने आप को उस समय आप भाग्यवान समझ सकते हैं कि आपके गुरु प्रकट हो गए आपके सामने। बिल्कुल माता जी, गुरु तो प्रतिनिधि होते हैं ना भगवान के, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। तो सब गुरु को, माता जी सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम माता जी, कि आप हमें, हम लोगों को इस तरह इस रास्ते में आगे बढ़ने में सहायता कर रही हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में माता जी। थैंक यू माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो माता जी एक माध्यम भगवान ने बनाए हैं, हमें कृष्ण ने एक माध्यम बनाया है, तो उस उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपनी कृपा कर रहे हैं माता जी। और जैसा आप लोगों ने बताया बहुत ही सुंदर कि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हम लोगों को महामंत्र का जो जाप लेके, और नाम निष्ठा दास प्रभु जी ने जो हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम सब देखिए। माता जी, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आपने इंटरव्यूज होते हैं या जो उनके अगर आप लेक्चर सुनिए, तो कहते हैं कि हम लोग जो सभी मानव है ना, एक इनविजिबल इनविजिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो हम सोचते हैं ना कि हम कैसे मिले, कहाँ पहुंचे, तो हम एक सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब हैं तो परमात्मा के ही अंश ना। तो हमें तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें आपस में मिला के, जो वो एक साधु संगा, हम लोगों को कहते हैं कि साधु संगा बहुत जरूरी है हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए।
हमारे ऊपर गुरु की कृपा है और कृष्ण की कृपा है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय हमारा 16th अध्याय है, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी गुण, देव असुर साधन विभाग योग। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम कहते हैं मंगलाचरण में, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। अर्थात हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है और आप ही गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी है। और तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अर्थात मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक जो आभा है वो सोने के समान है, जैसे सोना पिघल के हो जाता है वैसी आभा है उनकी। और वो वृंदावन की महारानी है और वो राजा वृषभानु की पुत्री है, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो हम लोग सभी प्रयास करें कि इस प्रकार से राधा माधव का अपने उनके चरणों में ध्यान करके हम उनके ऊपर मेडिटेट करें, उनके ऊपर ध्यान करें और उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करें कि हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम उनका ज्ञान और उनकी भक्ति के लिए हम प्रयास कर पा रहे हैं। हम लोग शुरू करते हैं। हमारा कल का अध्याय था पुरुषोत्तम योग। तो कल के अध्याय में क्या पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा कि हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था? चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए हमने, जैसे हम सीरीज से हम देख पा रहे हैं कि हम ज्ञान योग जो हमारी भगवद गीता का है सेक्शन, ज्ञान योग जो हमारे अंतिम 6 अध्याय हैं ज्ञान योग, परंतु ये ज्ञान क्या है, ये इस ज्ञान को जानने के बाद हम भक्ति में अपनी प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो हमने 13वें और 14वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान ने किस तरह से पूर्ण रूप से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कि पुरुष क्या है प्रकृति क्या है। और फिर 14वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि गुणातीत होने का जो उपाय है उसको क्या बताया था, अव्यभिचारिणी भक्ति। जैसे माता जी ने अभी इतना सुंदर भजन सुना के हमें भाव विभोर किया और बताया कि अगर हम इस भक्ति को भूल गए हैं तो क्या है, हमें जिस भी प्रकार से हमें गुरु की शरण में जाके या साधु संगा से या हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है तो हमें इस अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही हम प्रकृति के गुणों से
गुणातीत हो सकते हैं। तो जीव क्या है? परमात्मा का ही अंश है। वो जब भूल जाता है कि वो परमात्मा का अंश है, तो वो वास्तविक अब जब स्थिति को भूल जाता है, तो क्या है, इस संसार में आके अनेक प्रकार के दुख भोगता है। और इस संसार का मूल क्या है, हमने कल के अध्याय में आप लोगों ने जाना था, ऊर्ध्वो मूलम अधःशाखम, अर्थात क्या कि ये संसार का मूल क्या है, परमात्मा ही है। और वही त्रिगुण रूप से अलग अलग शाखाओं में होकर संसार में व्याप्त हुए हैं। तो वास्तव में जैसे ये संसार दिखता है वो वैसा रूप नहीं है, क्योंकि हमने जाना था क्या है, ये उल्टा वृक्ष। आप लोगों ने कल पढ़ा होगा कि ये क्या है, उल्टे वृक्ष के समान है। तो इसीलिए जिस प्रकार से ये हमारे संसार दिखता है, वो उस प्रकार का संसार नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक धाम तो क्या है, शाश्वत धाम, गोलोक धाम, वृंदावन और वैकुंठ लोक को अगर हम प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या है, हमें प्रकृति के इन तीन गुणों से को काटना होगा। तो हमने कल के अध्याय में ये जाना था कि किस प्रकार से हम प्रकृति के अगर तीन गुणों को असंग शस्त्रेण, तो हम क्या है, भक्ति की अगर शस्त्र के द्वारा हम काटते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा को या परम धाम को प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान देखिए हमें जो भी कुछ समझाते हैं, तो उसको हमें अच्छे से पहले भगवान देखिए, हमने जब कर्म के बारे में, भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, तो कर्म को जानने के लिए कि अकर्म किस प्रकार का होना चाहिए, भगवान ने क्या बताए थे कि कर्म और विकर्म दोनों को जानना, कि कर्म कैसा हो और विकर्म क्या है, तो दोनों को आवश्यक बताया था। इसी प्रकार से अब भगवान क्या है यहाँ पर, दैवी संपत्ति, हमारे जैसे अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव, तो हमें क्या है, देवी संपत्ति के लिए हमें क्या है, आसुरी संपत्ति अर्थात आसुरी स्वभाव को भी जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए जब अगर हम आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं कि किसी व्यक्ति में क्या खराब चीजें हैं, तो क्या है, हम देवी संपत्ति अर्थात की जो बची हुई चीजें हैं हमारी, अगर हम ये करें ये ना करें ये ना करें, अर्थात हमें प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, हम आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए आसुरी स्वभाव के। तो जब हम ये जान लेते हैं, तो हम अपनी देवी संपत्ति में अर्थात की देवी गुणों में स्थित हो जाते हैं। पहले भी भगवान हमें बहुत से तरीकों से, भगवान ने हमें 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में हमें बार बार समझाया कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाम प्रपद्यन्ते नराधमा। हमने जाना था कि चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो भगवान की शरण में नहीं जाते, और फिर हमने जाना था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाम सुकृतिनो अर्जुना, अर्थात चार प्रकार के प्राणी मुझे मेरी शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से अब भगवान यहाँ इसको डिटेल में अर्जुन को समझाने जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाचा, अभयम् सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोवर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचाप्पलम् तेजःक्षमाधितिःशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, निर्भयता, अभयम अर्थात क्या है, किसी भी प्रकार का डर ना होना भौतिक जगत में हमें, क्योंकि पता है निर्भयता क्या है, जब हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो हम प्राणी मात्र को क्या है, हमें अपने शरीर के लिए अनेक प्रकार के भय लगे रहते हैं, बीमारी है, वस्त्र नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, हम क्या है अनेक प्रकार के चोरी से, डाकू से, किसी प्रकार के सर्प से, जानवरों से, हमें क्या है अनेक अनेक डरों में हम रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा भगवान क्या बताते हैं कि जो देवी गुण में स्थित है वो क्या है, निर्भयता में रहता है, क्योंकि वो भगवान के पूर्ण शरणागत है। तो
तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो क्या है, सर्वत्र अभय हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि वो भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा करने की प्रार्थ। भगवान, हमने पिछले अध्यायों में भी जाना था, 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, योगक क्षेमम वहाम्यहम्, कि जो अनन्य भक्ति करके द्वारा मेरे मेरी शरण में आता है तो मैं क्या है उसको सभी प्रकार के दुखों से अभय प्रदान करता हूँ। तो अभयम अर्थात निर्भयता सबसे पहला गुण है जो कि देवी गुण में या अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त है। फिर है आत्मशुद्धि अर्थात की भगवान में कि अंतकरण से शुद्धि, भगवान की भगवत प्राप्ति का ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में लगे रहना, योग, जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारी क्या है दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। फिर दान, आत्मसंयम, और फिर यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या। वेदाध्ययन अर्थात क्या कि वेदों का अध्ययन करना, कि हम किस प्रकार से वेदों के अध्ययन के द्वारा हम, तो उसमें क्या है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है कि हम जो भी स्वयं का अध्ययन करते हैं वो क्या है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान भगवत प्राप्ति। तो उसके लिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें नाम संकीर्तन का हमें संस्तुति की, तो हम नाम संकीर्तन के द्वारा भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, उनका सुनना मनन करना, तपस्या, सरलता, और इस प्रकार से यहाँ भगवान ने जो देवी गुण में स्थित है उनके 26 गुण बताए। त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण में अरुचि का अर्थ क्या होता है, किसी की बुराइयों को ना देखना, अर्थात किसी की, हम कहते हैं क्या करते हैं, किसी में कोई बुराई अगर हमें ही दिखती है तो हम क्या है उसको चारों तरफ हम उसका प्रचार करते हैं कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब है। तो क्या है छिद्रान्वेषण में अरुचि अर्थात किसी की बुराइयों में अरुचि हो जिसमें, और समस्त जीवों पर करुणा हो, लोभ विहीनता हो, भद्रता हो, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो देखिए ये हमने ये सभी गुण मोर ऑफ हमने जो हमने 13वें अध्याय में जब हम ज्ञान की प्रक्रिया था मुक्ति की प्रक्रिया के लिए हमने 13वें अध्याय में गुण पढ़े थे। तो देखिए आप जानेंगे कि ये बहुत कुछ की, क्योंकि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी हम देवी गुणों में स्थित हो पाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से जो देवी गुण में स्थित है उनके 26 गुण बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 16 चैप्टर के 1.3 में व 1 से लेके 3रे श्लोका में जो ये सभी गुण बताए ये पारलौकिक है अर्थात क्या है इस लोक से परे हैं, दिव्य गुण है ये। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। तो हमें किस प्रकार से करना है कि हम इस जीवन में जीते हुए भी जो हमारी सोशल सर्कल है या हम अपना कार्य करते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं, तो हमें उसके अंदर इनको विकसित करना चाहिए। और उसके लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम धीरे धीरे इन गुणों को अभ्यास के द्वारा हम अभ्यास करें, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, हमारे पास धन अधिक है कम है, हमारे पास परिस्थितियों में हमारे पास जितने भी साधन है वो हमारे पास संपूर्ण है या नहीं है, हमारी स्थिति किस प्रकार भी है, परंतु धीरे धीरे अगर हम इन गुणों का अभ्यास करते हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि इन अभ्यासों के द्वारा हमें उच्चतम स्तर तक उठना है। तो अब आगे भगवान यहाँ जिस प्रकार से भगवान ने विस्तार से अभी हमें पिछले अध्यायों में भी भगवान विस्तार से हमें देवी गुण अर्थात शुद्ध भक्त के जो गुण है भगवान ने बताए, अब यहाँ से भगवान जो आसुरी गुण है और आसुरी प्रकार के लोग किस प्रकार के होते हैं उनको डिटेल में बताएंगे। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधश पारुष्यमेव च
अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। तो देखिए, अभिजातस्य, अभिजातस्य क्या है? देवी गुणों में जो, या देवी प्रकृतियों से जो उत्पन्न होता है व्यक्ति, वो क्या है? अभिजातस्य शब्द का अर्थ क्या है कि देखिए, जब कोई भी संतान की उत्पत्ति के लिए क्या है, गर्भधान संस्कार के बारे में बताया जाता है। तो अगर माता पिता अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे गुण आए, तो क्या है, अगर वो स्वयं उन गुणों का पालन करते हैं, वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, और उन गुणों के अनुसार ही वो क्या है, अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उनके अंदर अभिजातस्य अर्थात इसी प्रकार के दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। परंतु जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनके गुण भगवान उनके क्या बताए कि उनमें दंभ है अर्थात घमंड है, दर्प है, अभिमानता है, और क्रोध और कठोरता है। तो इसको हम आगे पूरी डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार भगवान इनको समझाते हैं। देवी संपद्मोक्षाय निबंधाया सुरी मता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण क्या है, बंधन दिलाने के लिए है। परंतु हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो। माशुच अर्थात डरो मत। हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुम डरो मत, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो दिव्य गुण है अर्थात देवी गुण है, वो क्या है, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, हमें क्या है, मोक्ष के लिए अनुकूल है। परंतु जो आसुरी गुण क्या है, हमें बंधन में बांधते हैं। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि आसुरी गुण क्या है, जब हम शास्त्र विरोधी कार्य करते हैं, जो भगवान ने कार्य शास्त्रों में बताया उनके अनुसार कार्य ना करके हम क्या है, विरोधी भास कार्य करते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए बंधन का कारण होते हैं। क्योंकि अगर हम बुरे कार्य करते हैं, आसुरी कार्य करते हैं, तो हमने पिछले अध्यायों में भी जाना था कि नरक के हमारे लिए क्या है, नरक का द्वार खुला है उसके लिए, अर्थात हम निचले लोकों में गिर जाते हैं, पशु योनि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो क्या है, बंधन हमें रह होता है, बंधन अर्थात हम बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे रहते हैं। तो परंतु भगवान कहते हैं अर्जुन से, परंतु तुम डरो मत, क्योंकि तुम तो देवी गुणों से ही जन्मे हो। द्वौभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् आसुरैः एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थमेष्णु। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि हे प्रथा पुत्र, प्रथा पुत्र अर्थात प्रथा कौन, अर्जुन की माता का नाम कुंती था, परंतु विवाह से पहले वो क्या है, प्रथा कहा जाता था उनको। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्रथा पुत्र, हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सर्जित प्राणी दो मात्र के, दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, और अब तुम मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो देखिए, आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग वो बताए गए हैं। भगवान का जो शाश्वत धाम है, देवी गुण को भगवान ने बताया क्या है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जो आसुरी गुण के व्यक्ति हैं, वो क्या है, बार बार बंधन में बनते हैं, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक तो आसुरी और एक सुर, जिसे कहा जाता है देवी प्रकृति के। तो भगवान अब आगे हमें आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे।
निर्वृत्तैः च जनानां विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी लोग हैं वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण है और ना ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, हमने पहले भी जाना था कि जो आसुरी लोग क्या हैं, मोहग्रस्त हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं, तमोगुणी हैं, आसुरी हैं। वो क्या है, वो अज्ञानवश है, वो ये जानते ही नहीं है कि हमारे लिए क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है। क्योंकि शास्त्रों में प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है कि आसुरी मनुष्य जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति को क्या है, जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वो क्या है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं शास्त्रों में, जो शास्त्रों की नहीं सुनते और सुन भी ले तो उसे समझते नहीं है, उनके अंदर अहम भाव होता है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। आगे हम पढ़ेंगे श्लोकों में उनको क्या है, भगवान शब्द जो है उसके बारे में उनको, उनके ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है। और अगर वो उनको सुन भी लेते हैं तो उसके उनको उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते या उस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार नहीं चलना चाहते। तो उनमें ना तो पवित्रता है और ना ही उचित आचरण है और ना ही सत्य पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या है, अपने सिर्फ मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। वे क्या कहते हैं कि ये जो जगत है वो क्या है, मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है। इसका नियमन क्या है, ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह जो जगत है ये क्या है, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के द्वारा इसका कोई भी अन्य कारण नहीं है। क्योंकि देखिए जो इस प्रकार के जीव व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कार्य हैं, जो भी ये जगत बना है, ये कैसे बना है, रासायनिक पदार्थों से, केमिकल रिएक्शन से मिलके। और हमारी क्या है, हमारी काम इच्छा उत्पन्न हुई, हमें काम करने की इच्छा हुई और ये क्या है, संसार उत्पन्न हो गया। पर और इनका क्या मानना है कि जो भी भगवान के सारे अवतार हैं वो क्या है, भगवान का या जो अवतार है वो मनुष्य अवतार है, भगवान क्या है हमारी तरह ही मनुष्य रूप धारण करते हैं। और क्या है, इस प्रकार से या तो वो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं या भगवान को भी मनुष्य के रूप में साधारण ही मनुष्य समझते हैं। तो इसीलिए जो काम की इच्छा हुई तो ये संसार उत्पन्न हो गया, इसीलिए जगत क्या है, मिथ्या, इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है और ना ही इस जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर है, कोई कंट्रोलर है। ऐसे निष्क्रमों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग क्या करते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी है, वो भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। क्योंकि देखिए ईशावास्यम इदम सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। भगवान हम क्या जानेंगे, जानते हैं ईशोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वं, जो भी प्रकृति में हमें साधन मिले हुए हैं वो क्या है, भगवान से प्राप्त है। तो इसीलिए हमें ये जानते हुए क्या है, इन साधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जो कि हमारे भाग्य के लिए निश्चित कर दिए गए हैं। परंतु क्या है, जो आसुरी लोग क्या है, उनका आत्मज्ञान तो उनमें है ही नहीं, अज्ञान है उनको। तो जो साधन मिले हैं वो क्या है, उनके ऊपर, प्रकृति के ऊपर क्या है, अत्याचार करते हैं प्रकृति के, और जो भी साधन है उनका क्या है, अनुपयोग करते हैं, उनका उपयोग ना करके अनुपयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं इस जीवन में, कलयुग में क्या है, अनेक प्रकार के शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, एक देश दूसरे के ऊपर वो रॉकेट या लॉन्च वो करता है, इसी प्रकार के हर जीव एक दूसरे के ऊपर अपना वो जमाने की कोशिश करते हैं कि मैं ऊपर हूं। तो इस प्रकार से भयावह अलग अलग तरीकों के जो है कि जो प्रकृति को
नष्ट करने की चीजें उनके ऊपर भयावह कार्यों का निर्माण करते हैं, तो जो कि संसार का विनाश के लिए होते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो ये जीव हैं आसुरी लोग, ये इस तरह के कार्य करते हैं कि जो संसार के लिए नष्ट करने के लिए या संसार के विनाश के लिए होते हैं। वो तो कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के साथ में मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। तो हम जानते हैं हमारे वैष्णव समाज में इस्कॉन में हमें क्या फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए जाते हैं, कोई बता पाएंगे हमें कि हमारे क्या चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप में से कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर लेंगे या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा जी माता जी, जी, आप भारती अनम्यूट करें। भारती माता जी, अनम्यूट करिए प्लीज। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, नशा नहीं करना किसी तरह का, जी और पराई मतलब स्त्रियों से वो नहीं रखना, और यार ध्यान में नहीं आ रहा, मुझे चार याद। जी थैंक यू माता जी, थैंक यू भारती माता जी। कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा जी, पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। जी, चार जो प्रिंसिपल है वो है कि नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और मांस नहीं खाना, और अवैध संबंध नहीं करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी। तो देखिए आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ बताया गया है, स्लाइड के द्वारा हमें समझाया गया है। नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो मीट ईटिंग। क्योंकि देखिए अभी हम आगे जानेंगे कि अगर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो क्या है, हम जो हमारी आत्मा है इसका पतन होता है, हम क्या है स्वयं ही अपने आत्मा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो और ये क्या है, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसमें बाधा देती है। तो इसीलिए हमें बताया जाता है कि फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो हमारे फोर रेगुलेटरी बेसिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो काम का आश्रय लेकर, काम का आश्रय अर्थात वासनाओं का आश्रय लेकर अपनी और गर्व के साथ और मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, क्योंकि क्या है उनको क्या है अपने ऊपर ही अभिमान है कि क्या है कर्ता हम स्वयं हैं। तो ऐसे लोग क्या है मोहग्रस्त होकर क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए, क्योंकि ये हम जान गए हैं कि ये क्या है जो भौतिक सृष्टि है क्या है ये हमारे लिए क्षण भंगुर है, हमें अभी इस समय में कुछ प्राप्त है परंतु क्या है किसी भी समय ये नष्ट हो सकता है। ये हमारे लिए हम क्या है शाश्वत, हमारा धाम क्या है भगवान का धाम, गोलोक धाम। तो इसीलिए क्या है हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए जो ऐसे लोग हैं क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए इसी में लगे रहते हैं और अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं वो क्या है अपवित्र होते हैं, अर्थात जो ना करने वाले कार्य होते हैं उन कार्यों में वो लगे रहते हैं। और उनका विश्वास क्या है कि इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो ऐसी देखिए बहुत सी सभ्यताएं हैं हमारे कुछ समय पहले, ऐसे कुछ
वो भी हुए, व्याख्याकार भी और ऐसे भी, जो कि इन्होंने भगवत गीता का गलत व्याख्यान करके हमें ये बताया कि जो जीवन है हमारे को क्या है, हमें ये जीवन मिला है तो इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए मिला है, परंतु क्या है इस प्रकार मरण काल तथा तक उनको अपार चिंता रहती है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है कि जब तक जीवित रहते हैं अर्थात जब तक मृत्यु से पहले क्या है उनको क्या है सिर्फ यही चिंता रहती है कि मुझे ये सुख प्राप्त हुआ तो अब मुझे दूसरा सुख मिल जाए, अब मुझे अलग अलग प्रकार के धन से, संपदा से, ऐश्वर्य से, नाम से क्या है इस प्रकार के सुख प्राप्त होते रहे, और इसी चिंताओं में वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर वो काम और क्रोध में लीन रहकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है, क्योंकि हमने जाना प्रवृत्ति च निवृत्ति च, वो ये नहीं जानते कि हमारे को क्या काम निंदनीय है और क्या काम नहीं करने चाहिए, परंतु क्या है अपने झूठे सम्मान के लिए वो क्या करते हैं अवैध ढंग से जो काम नहीं करने के हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हमें नहीं बताए हैं करने के लिए, उस तरीके से भी क्या है धन संग्रह करते हैं, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है सिर्फ धन का संग्रह करना और ऐश्वर्य, जिस जीवन में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेकों ऐश्वर्यों को भोगना, तो वो मनमाने ढंग से धन का संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास जितना धन है और आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु मैं भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या है दिमाग हमेशा क्या है कैलकुलेशन में चलता रहता है कि अभी मेरे पास इतना है, मैं इतना कर लूंगा तो मेरे पास ये बढ़ जाएगा, मैं किसी का ये धन मार लूंगा तो ये हो जाएगा, तो जो शरीर की सुख सुविधाएं हैं और शरीर का सौंदर्य है, आश्रृंगार है और एक से एक भोग, आप देखिए कलयुग में क्या है अगर आप निकल जाइए तो आपको एक सामग्री मिलेगी, दूसरी दुकान पे जाके देखेंगे तो उससे भी और कुछ होगी, तो इस प्रकार से क्या है ये जो भोग विलास की सामग्रियां हैं और सुख सुविधाएं हैं इनको जुटाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, परंतु क्या है भोगते भोगते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जिस प्रकार अभी माता जी ने भजन में हमें सुनाया, परंतु क्या है हमारी जो ये तृष्णाएं हैं रोज नित नई जवान होती रहती हैं, तो हमारी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए क्या है हम इन कार्यों में लगे रहते हैं कि अभी इतना धन कमाया, अभी और कमा लूंगा, मेरे पास इतना समय है कि पता नहीं मैं तो भविष्य में और कितना धनवान हो जाऊंगा, मेरे से बड़ा कोई होगा नहीं, मेरे अनेक मेरा जो भी शत्रु है उसे मैं मार डालूंगा, और इसी प्रकार से क्या है ये जो सारी वस्तुएं हैं इनका मैं ही स्वामी हूं, परंतु अभी हमने जाना ना कि ईशोपनिषद में क्या है ईशावास्यम इदम सर्वज, तो भगवान ही क्या है सभी जो साधन है, भगवान सभी के भगवान ही स्वामी है, हमने पढ़ा था पिछले अध्यायों में भी, तो भगवान क्या है परम भोगता है, तो इस प्रकार से ये ना जानते हुए वो क्या सोचता है मैं ही परम भोगता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ और सुखी हूँ, तो क्या है जितना भी सामर्थ्य है या जितनी भी सिद्धियां हैं या जितना भी सुख है वो मेरे पास ही है, मैं ही सबसे अधिक धनी हूँ और मेरे आसपास के जितने संबंधी हैं वो सब क्या है कुलीन उससे संबंध रखते हैं, अर्थात हम धनवान है या ऊंचे वंश से संबंध रखते हैं या मेरे समान कोई शक्तिशाली या सुखी नहीं है, तो क्या है झूठे दंभ में क्या सोचते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह से आनंद मनाऊंगा, परंतु इस तरह से दान और यज्ञ क्या है उनके झूठे दान और यज्ञ, अर्थात क्या है मोहवश जो दान, हमने जाना था ना आगे हम 17वें अध्याय में भी जानेंगे कि दान यज्ञ और तपस्या भी किस प्रकार के होने चाहिए, तो परंतु यहाँ क्या है वो अज्ञान के वश क्या करते हैं कि मैं दान दूंगा, यज्ञ करूंगा और आनंद मनाऊंगा, अर्थात आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या धन की कमी, ऐश्वर्य की कमी, हिरण्यकश्यप को, कंस को और रावण को कोई कमी थी, उनको कोई अभाव था, है इतना उनके पास धन था, ऐश्वर्य था, परंतु क्या है उनकी कभी पूर्ति नहीं हो पाती थी उनकी तृष्णाओं की, और इसी के कारण उन्होंने जब उनकी अति हो गई अर्थात आसुरी जीवन में उनके जब
कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि मैं क्या है, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरण लेता हूं। तो परंतु जब इनका पूरा जो उनके अज्ञान के वश इन्होंने इतने ऐसे कार्य किए, तो भगवान ने क्या है, भगवान ने अवतरित होकर इनका संहार किया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए, हिरण्यकश्यपु, कंस और रावण के उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकैषुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गिन होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते रहते हैं। क्योंकि क्या है, वो अपने आप को ही सुखी मानकर कि मुझे ये चीज प्राप्त है और मैं अभी और ये करूंगा, तो उसी प्रकार की चिंताओं में उद्गिन अर्थात लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं और मोह जाल में बंध कर इंद्रिय भोग के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हैं और इसी कारण नरक में गिरते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य क्या है, सुख तो चाहता है परंतु क्या है, धर्म नहीं करना चाहता। हमने पिछले अध्याय में भी जाना था कि हमारी बुद्धि क्या है, अल्प है, परंतु हमारा व्यवहार में क्या है, हमने जाना था ना, कठोरता है हमारे, हम अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं, परंतु ये रोग क्या है, हमारी इंद्रिय तृप्ति को भोगने के, हमने जाना था ना, विकार हमारी जो अंतःक्रियाएं अर्थात राग द्वेष, हमारी इच्छाएं, ये सभी क्या है, हमारे विकार है। तो हम मोह जाल में बंध कर जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं और इसी कारण क्या है, नरक में गिरते हैं। अहंकार बलं दर्पं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदुषंतोभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से भी ईर्ष्या करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई बता पाएंगे इस स्लाइड में कौन है और क्या दर्शाया गया है इस स्लाइड के बारे में? हरे कृष्णा, आप लोग जानते हैं इसमें स्लाइड में क्या दिखाया गया है? हाँ, जी भी ना माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें शिशुपाल जो होता है बहुत सारे बुरे कर्म करता है, तो भगवान ने उसको उसकी 100 गलतियों के लिए जो है क्षमा किया होता है, क्षमा करने का वचन दिया होता है। लेकिन जब वो भरी सभा में भगवान जी का बहुत अपमान करता है, तो उसकी गिनती जो है, भगवान जी कहते हैं तेरे पाप जो है 100 से ज्यादा हो गए हैं, तो तब भगवान जी उसको जो है दंड देते हैं। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा माता शिशुपाल, जी। हरे कृष्णा, शिशुपाल कौन थे कोई जानता है? हरे कृष्णा हाय जी, माता जी, बता। हाँ जी, कहे कि बुआ जालिंदर के का लड़के बुआ थे जी। के लड़के, माता जी बुआ का लड़का। जी, थैंक यू प्रभु जी। तो शिशुपाल देखिए भगवान के बुआ के पुत्र हैं, और क्या है, वो भगवान से बुआ के पुत्र हैं, पर द्वेष करते हैं भगवान से कि भगवान भी मेरी तरह ही दिखते हैं परंतु भगवान ही पूजे जाते हैं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तभी क्या है, उनके जो गुरु हैं या जो उनके वो हैं ज्योतिष हैं, उन्होंने बताया था कि इनका भगवान के द्वारा वध होगा। तो उनकी बुआ ने उनसे प्रार्थना की थी कि उनकी रक्षा करने के लिए, तो भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इनकी 100 गलतियां माफ करूंगा। तो आप ये देखिए, राज्यसभा में, जब राज्यसभा में उन्होंने भगवान का अनादर किया, भगवान का अनादर किया, एक बार, दो बार भगवान ने उनकी 100 बार क्षमाई, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था। तो फिर जब 100 के बाद 101 गलती की, तो भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा क्या है, उनका संहार हुआ उनकी। तो इस प्रकार से देखिए, जो मिथ्या अहंकार
अहंकार में रहते हैं, वो क्या है, वो नहीं जानते हैं भगवान की सत्ता को, नहीं जानते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, बताते हैं कि जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपने बल और काम क्रोध में मोहित होकर, वो क्या है कि भगवान क्या है सभी जीवों में है, और जीव क्या है परमात्मा का ही अंश है, ये जान ना जानते हुए वो क्या है भगवान से ईर्ष्या करता है और धर्म की निंदा करता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि आसुरी लोगों की किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों का क्या हर्ष होता है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो भगवान क्या है, जो लोग ईर्ष्यालु हैं और क्रूर हैं, नराधम अर्थात अधम है, जो कि नीचे नीचे गिरे हुए नरों में अधम, नराधम अर्थात नरों में अर्थात मानव में मनुष्यों में अधम है, मैं उन्हें विभिन्न आसुरी योनियों में अर्थात भव सागर में डालता रहता हूँ। कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा भूर लोक है, इससे नीचे क्या है 7 लोक हैं, और उससे भी नीचे क्या है 28 नरक हैं। तो देखिए, एक बार जीव जो है आसुरी योनि में, जब जीव है उसको जब अज्ञान या मोहवश क्या है, जब वो नहीं भगवान को प्रति श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या है वो निचली योनियों में निरंतर गिरता रहता है, और भगवान यहाँ बताते हैं तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रियंत्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमने दूसरे अध्याय में जाना था कि किस प्रकार से हमने 8 स्टेप पढ़े थे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, संगस्त उपजायते कामा, कामात क्रोधा विचायते। तो देखिए ये क्या है, सीरीज है। भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि काम क्रोध और लोभ ये क्या है नरक के द्वार है, क्योंकि हमने अभी आसुरी जो व्यक्ति हैं उनके क्या है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो मोहवश जीते हैं, तो भगवान ने यहाँ उनके बारे में बताया। तो ऐसे जो लोग होते हैं काम क्रोध और लोभ के वश में होते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, अपना उनके अंदर दंभ होता है, घमंड होता है, और तो इस प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की क्या है अधोपतन होता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें क्या कर देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है आत्मा का भी पतन होता है। तो हमने पीछे भी जाना था ना कि बुद्धि क्या है आत्मा की निकट पड़ोसन है, अगर हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो क्या है उससे हमारी आत्मा भी इफेक्टेड होती है, तो इसीलिए आत्मा का पतन होता है भगवान कहते हैं। तो इसीलिए हमें इनसे बचना चाहिए काम क्रोध और लोभ से। एतैर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो यान्ति पराङ्गतिम्। तो हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए हमें क्या बताया गया, हमने भगवान यहाँ बता रहे हैं कि नरक के 3 द्वार क्या है काम क्रोध और लोभ। तो जब व्यक्ति काम क्रोध और लोभ से दूर हो जाता है तो क्या है समचित्तत्वम, हमने पढ़ा था 13वें अध्याय में क्या है वो होने के बाद वो क्या है गुरु की शरण ग्रहण करता है, वेदों का स्टडी ऑफ वेदा, वेदों का अध्ययन करता है, ऑस्टेरिटी अर्थात तप के द्वारा,
सेंस कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके वो ज्ञान को प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इस प्रकार से जब वो अपनी इंद्रिय तृप्तियों का त्याग कर देता है, इंद्रियों का त्याग करता है, गुरु की शरण ग्रहण करता है, वेदा अध्ययन शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा कार्य करता है, तो परम गति को प्राप्त होता है। यम शास्त्र विधि सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उन्हें ना तो सिद्धि और ना ही सुख तथा ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह स्लाइड में हमें जो ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए गए, कि देखिए जो मीट ईटिंग करता है, हमने पहले के अध्यायों में भी जाना था, उन्हें क्या है, दूसरा जीवन क्या प्राप्त होता है, पशुओं का, सुअर भक्षण करने वाले का, हमने अनेक अनेक स्लाइडों के द्वारा जाना था कि हमें क्या है, उसी प्रकार का हमें जीवन प्राप्त होता है। मीट ईटिंग या हम कोई इलिसिट सेक्स, बट हमें वो नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो अगर हम इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं तो क्या है, पतन होता है हमारा। तो जो शास्त्रों में हमें बताए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही सुख की और परम गति की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार ही क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उन्हें जानना चाहिए। हमने जाना था ना कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार, जब हम गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ये हम जानते हैं कि हमारे क्या कार्य हैं और क्या नहीं करने चाहिए, तो उस विधि विधानों को जानकर ही हमें कर्म करना चाहिए, जिससे कि हम क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हमने जाना था, पहले भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें अपने गुरु की शरण जाकर क्या है, विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि शास्त्रों में चार मुख्य दोष हैं, जो कि बद्ध जीवों में, शास्त्रों में मुख्य दोष जो बद्ध जीवों में है वो नहीं पाए जाते। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो बद्ध जीव में चार प्रकार के दोष होते हैं, वो कौन से होते हैं, किसी को याद है, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, किसी को याद है चार प्रकार के दोष कौन से हैं जो बद्ध जीवों में होते हैं? अब हाँ माता हमारी जी, काम बिहार को बोलो। प्रभु जी, वो माता जी वो वाला पूछ रहे हैं जिसमें अपूर्ण इंद्रियां इस तरीके के चार चीजें बताई थी ना माता जी, उस वो वाला पूछ जी माता जी, रहे। जी हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं तथा मोहग्रस्त रहते हैं। हमने जाना था कि जो बद्ध जीव है उनमें चार प्रकार के दोष होते हैं। तो ये चार प्रकार के दोष क्या है, ये चार दोषों के कारण ही जो बद्ध जीव है विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। तो हम सोचते हैं ना कि हम अपने रूल्स रेगुलेशन खुद क्यों नहीं बना लेते हैं, है ना? तो परंतु क्या है, यहाँ हमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो बद्ध जीव है उसमें क्या है, ये दोष होते हैं, क्योंकि क्या है, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो क्या है, कपटता है, अर्थात उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वो त्रुटियां अर्थात गलती करता है और मोहग्रस्त रहता है, तो इसीलिए वो विधि विधान बनाने के अयोग्य है। तो जो विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है वो क्या है, सभी प्रकार के दोषों से दूर होता है।
इसीलिए जो हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं, आचार्य हैं और महापुरुषों के द्वारा जो हमें ये बताया गया, तो क्या है वो हमें बगैर किसी परिवर्तन के, अर्थात एज इट इज, हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता एज इट इज, जैसे भगवान कृष्ण ने से वाणी कही वैसे ही एज इट इज हमें वो वाणी प्राप्त हुई हमें, और उसी के अनुसार हम कार्य करें, हम तो क्या है शास्त्रों के नियमों का पालन किए बगैर कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझ जाता है वही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि ये जो भौतिक शक्ति है प्रकृति के तीन गुणों से बनी है, हम पहले भी पढ़ाए हैं सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण, और भगवान के, इससे पहले कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले तो मनुष्य को कम से कम सतोगुण तत्व तो ऊपर उठना चाहिए, अर्थात ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें क्या है, अगर हम अपने आप को क्या करना चाहिए, हमें इवेल्युएट करना चाहिए, अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या ये गुण हमारे अंदर है या ये हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर तमोगुणी की प्रवृत्ति ज्यादा है या रजोगुण की ज्यादा है। तो जिस पर अगर हम इस प्रकार से अपने आप को बार बार मनन करें अपने उस पे, तो हम धीरे धीरे तमोगुण से उठकर रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण तक पहुंच सकते हैं। तो जो दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुण का मार्गदर्शन प्राप्त करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हमने जाना था तद्विधि प्रणिपाते न प्रीप्रश्नेन सेवया, क्योंकि क्या है उन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, तो इसलिए वो हमें सही जो मार्गदर्शन हमें गुरु ही दिखा सकता है। तो इस प्रकार हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा आपका किसी का महाप्रभु, कोई दंडवत दंडवत प्रणाम। मना, अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, वो हमें जानकारी देनी थी कि हमारा ये क्लास ओवर होते ही हमारी सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगी। जी माता जी, तो हाँ आप बताएंगे माता जी? माता जी, आप जो सेकंड लेवल है हम लोगों का, मेरे पास अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है माता जी, लेकिन जैसे ही लिंक आएगी इसमें सेम ग्रुप में शेयर हो जाएगा माता जी, और ये तुरंत ही होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपना अपना जो लेवल 1 का सर्टिफिकेशन करके रखेंगे तो वो आपको सुविधा रहेगी कि आगे लेवल पे आप जा सकें। और हम आशा करते हैं, सभी से प्रार्थना करते हैं कि देखिए जिस प्रकार से हम इतनी सुंदर तरीके से हम इसमें लगे हुए हैं, तो कोशिश करें कि हम भगवत ज्ञान को और गूढ़ रहस्य को उनको जाने और अपनी भक्ति में प्रगाढ़ हो। तो आप लोग सभी अगर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप पूर्ण भाव से और पूर्ण दृढ़ निश्चय से आप ये कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग अपने आप को सेकंड लेवल के लिए एनरोल करके उसमें हम उसको और डीप तरीके से प्रत्येक श्लोकों को पढ़ते हैं और उनका अनुवाद पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम उस ज्ञान को और समझने में हमें बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं उस ज्ञान को। माता जी, और ये भी है, जैसे बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आप लेवल 1 तो कर लिया और लेवल 2 की क्या जरूरत, मतलब सेम भगवत गीता है और सेम चीज है। तो ये पर्सनल अनुभव से भी मैं बताना चाहूंगी कि जो समझ में, जो अभी जैसे हम एक चीज को एक तरीके से देख रहे हैं और थोड़ा और आगे बढ़ के हम इसी सेम चीज को और नए तरीके से देख सकते हैं। जी, 1 मिनट, हरे कृष्णा, ओके, अपनी माइक जी पे को चेक पे रखें प्लीज। जी तो वहाँ पे जो गुरु द्वारा पूरा डिटेल्ड अध्ययन, जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ कुछ श्लोकास पढ़ रहे हैं, वहाँ पे
पूरी डिटेल्ड स्टडी रहती है, और आगे जैसे सेम अपने लेवल के जो डिवोटीज हैं उनके साथ जो डिस्कशंस रहेंगे उससे भी हमारी जो लर्निंग है वो कई गुना बढ़ती है माता।